हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, इन दिनों मैं आप लोग के साथ चॉकलेटी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आप लोग को बहुत ही पसंद आ रहा है, तो उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों, आज फिर मैं आप लोग के साथ चॉकलेटी इंस्टेंट हैवी थिक मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगा। तो दोस्तों, इन दिनों चॉकलेट फ्रिज में एक दो पीसेस पड़े रहते हैं, तो आज मैं कुल मिला के 9-10 चॉकलेटों का फ्लेवर एक ही मिक्सी ग्राइंड में ग्राइंड अप करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ मिल्क शेक। आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि एक ही ग्लास में आपको डिफरेंट फ्लेवर चॉकलेट मिल्क शेक पीने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही अलग अलग तरह के चॉकलेट सबके एक एक पीसेस पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप लोग के साथ ही ये डिलीशियस सुपर यम्मी मिल्क शेक की रेसिपी शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है और यहाँ पे जो भी चॉकलेट मेरे पास अवेलेबल है उनका रैपर खोल खोल के काट काट के दोस्तों काट काट के और इसमें क्रश करके देते जा रही हूँ। सबसे पहले बिंदास था, मंच था, पर्क था, यहाँ पे 5 स्टार है वो भी दे रही हूँ। जो जो भी आपके पास होता है ना, समटाइम्स कि खाने के बाद बच जाता है एक दो पीसेस, तो क्या करें क्या करें, और बच्चे अगर 4 हैं और चॉकलेट सिर्फ 2 हैं तो फाइट होती है कि हम खाएँगे। तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप मिक्सी का जार लीजिए, उसमें हैवी थिक मिल्क मिलाइए ठंडा ठंडा, और सारे चॉकलेटों को क्रश करके दे दीजिए। उसके बाद सारे बच्चे में इक्वली बांट दीजिए, तो बच्चे खुश तो पेरेंट्स भी खुश। तो यहाँ पे मंच मैक्स था, फुल फैट क्रीम दूध है, तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, उसमें ज़्यादा अच्छा बढ़िया मिल्क शेक बनता है। यहाँ पे चिल्ड मिल्क था, वो दे दिया है। चॉकलेट वैसे भी मीठा होता है, अगर आपको मिठास के रूप में चीनी ऐड नहीं करना है तो मत कीजिएगा। यहाँ पे चीनी मैंने ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्सी के जार में ग्राइंड कर लिया है। अब एक ग्लास ले लिया है, ग्लास में पहले चॉकलेटी मिल्क से सर्व करने से पहले इसको और अच्छा लुक दिया है और अच्छा फ्लेवर देने के लिए मैंने यहाँ पे वनीला आइसक्रीम था फ्रिज में, तो उसको दे दिया है। उसके बाद और अच्छा इसको सुपर डिलीशियस बनाने के लिए यहाँ पे जेम्स चॉकलेट मेरे पास था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। दोस्तों, अब हमारी जो चॉकलेटी हैवी थिक मिल्क शेक ग्राइंड किया हुआ था वो धीरे धीरे इसमें दे देते हैं। दोस्तों देखिए, देखने में कितना गाढ़ा और यम्मी सुपर स्वीटनेस से भरा हुआ। तो जो भी चॉकलेट और मिल्क शेक लवर हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। दोस्तों प्लीज़ यार, लाइक भी कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। अब साथ ही साथ दोस्तों, हम ऊपर से इसको और बढ़िया फ्लेवर देंगे। देखिए, हमने वनीला आइसक्रीम डाल दिया है दोस्तों ऊपर से, क्योंकि इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला है। साथ ही जो भी 2-3 चॉकलेट बचे थे उनको भी क्रश करके डाल दिया है। यहाँ पे जेम्स भी डाल दिया है दोस्तों, तो है ना दोस्तों, देखने में बहुत ज़बरदस्त, देखने में जितना ज़बरदस्त है दोस्तों उतना ही आप एक घूंट पियोगे ना तो क्या बताऊँ दोस्तों, इतना बढ़िया बना था कि मेरे बच्चे तो डेली यही रिकमेंड करते हैं कि हमें ऐसे ही मिल्क दिया कीजिए। तो इसमें मैंने आइस क्यूब ऐड नहीं किया है, आप आइस क्यूब ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि आइस क्यूब ऐड करने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा पानी जैसा हो जाता है। इंजॉय कीजिए, बाय बाय, टेक केयर।